कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। हम जब ये कहते हैं कि हमें आपके शो से बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन आपका शो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, फैंस आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से और भी ज़्यादा जो है आपको ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं। आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन टीआरपी आपके शो की कुछ भी नहीं होती है। लेकिन कई स्टार होते हैं, एक सादगी टाइप से होते हैं, और जिनके फैंस जो होते हैं वो जो हैं उन्हें हर जगह सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनके फिर चाहे टीवी पे टीआरपी को लेकर हो, ट्विटर पे ट्रेंड के नाम पर हो, ऐसे बहुत से स्टार देखे गए हैं। तो वही स्टार आज की डेट में दिलों पर राज करते हैं। चलिए हम आपको बताने वाले हैं आपके प्यारे आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड की। भाई जैसे कहते हैं, आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड जो है हर किसी की एक चाहत होती है। ये छोटा मोटा अवॉर्ड तो है नहीं, काफ़ी बड़ा अवॉर्ड है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़े बिजनेसमैन का हाथ होता है। या ये कहें कि ये शो आपको OTT प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आता है। 2024 में ये अवॉर्ड आपको G5 पर नज़र आया था। ऐसे में अब इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है 2025 की, जो कि आपको नज़र आएगा 2024 के लास्ट तक। ऐसे में जो है आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, फिर चाहे कोई टीवी सितारे हों, इन्फ्लुएंसर हों, या फिर बॉलीवुड के हों या वेब सीरीज के। ऐसे में यहाँ पर हर किसी को जो है अवॉर्ड से दर्शाया जाता है, या ये कहें कि हर किसी को अवॉर्ड में बुलाया जाता है, फिर चाहे किसी को होस्ट करने के लिए हो या फिर उनकी काबिलियत की वजह से हो। ऐसे में इस अवॉर्ड की चर्चाएं इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये अवॉर्ड काफ़ी पुराना है। अब बात करते हैं 2025 का अवॉर्ड। आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड ने अपनी सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कमिंग सून, जल्दी ही आपको ये अवॉर्ड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे इसका प्रोसेस बेस्ट ट्रैक्टर, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट शो या फिर वेब सीरीज में हो, बॉलीवुड में हो या फिर आपके टीवी सितारे हो। तो ऐसे में जो है हर जगह इसकी जो है चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलने वाली है। तो अगर आपने जो है अपने फेवरेट स्टार को वोट करना है, तो जैसे ही नॉमिनेशन होएंगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर जाकर आप विद टैग उन्हें जो है मतलब वोट करेंगे। ऐसे में जो है फैंस की जो चाहत है, जो अभी से ही उन्होंने सी पोस्ट किया है, उस पे जो है 3 स्टारों के नाम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। पहले शक्ति अरोड़ा, जिन्हें आप गुम है किसी के प्यार में लास्ट शो में देखा। ऐसे में मे भी इन फ्यूचर में उन्हें जल्दी ही कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। फिर आपके हर्षद चोपड़ा, जो सोशल मीडिया में बहुत कम रहते हैं या जल्दी से शो टीवी शो नहीं लेते हैं, या फिर आपके आते हैं अब आपके राहुल सुधीर, जिन्हें आपने लास्ट इश्क में घायल या फिर इश्क में मर जावा जैसे शो में देखा। इस अवॉर्ड को वो कई बार होस्ट करते हुए नज़र आए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी शायद वो इस अवॉर्ड को होस्ट करेंगे, उम्मीद है। तो ऐसे में जो है इन 3 स्टारों को फैंस ने अभी से ही सोशल मीडिया पे वोटिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इन्होंने वोटिंग लाइन दिखाई नहीं है, तो जैसे ही होगी तब आप कर देना। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो इनकी सोशल मीडिया पे जाकर आप कर सकते हैं। तो ये हैं वो स्टार अभी, मे भी अभी और भी स्टार इनके साथ जुड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है इस अवॉर्ड फंक्शन में किसको इस बार जो है अवॉर्ड की ट्रॉफी जाएगी, या किसको सबसे ज़्यादा वोटिंग होने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।